ब्रिक्स समिट 2024 की सबसे बड़ी तस्वीर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक बैठक से आई है। 5 साल बाद दोनों देशों के सर्वोच्च नेता आपस में यूं औपचारिक तरीके से मिले। चीन और भारत के बीच पिछले कुछ सालों में सीमा विवाद की वजह से संबंधों की स्थिति काफी बिगड़ी, लेकिन ब्रिक्स समिट से ठीक पहले ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता होता है, जो सीमा विवाद के मामले में बड़ी प्रगति। चीन भारत में पेट्रोलिंग पर सहमति बनने की खबरों के बाद आज शाम को रूस के कजान शहर में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की इस बातचीत में पीएम मोदी ने दो टूक लेकिन विनम्र तरीके से जिनपिंग को समझा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य रहने के लिए सीमा पर शांति बने रहना बहुत जरूरी। उन्होंने बॉर्डर पर समझौते की राह खुलने को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही चीन को एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म भी समझा दिया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। वहीं शी जिनपिंग ने भी कहा कि भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं और तेजी से उभरती आर्थिक ताकतें हैं, ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा हैं, लिहाजा चीन चाहता है कि भारत से अधिक बातचीत हो और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। दोनों देश एक दूसरे के विकास में भी अहम हिस्सेदार बने। हालांकि जिनपिंग के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीमा विवाद पर खोलकर बात रखी। जाते जाते चीनी राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने जो कहा वो आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए।
रूस के कजान में ब्रिक्स समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन से हुए सीमा समझौते का स्वागत किया, तो वहीं चीनी राष्ट्रपति से ये भी कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। इस बयान का सीधा मतलब तो यही निकाला जा रहा है कि 5 साल बाद अब जब चीन के साथ भारत ने बातचीत फिर से शुरू की है, तो ये भी साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही चीन के साथ संबंध बनाए रख सकता है। अगर सीमा पर फिर से चीन ने कोई चालाकी की कोशिश की तो उसको इसका अंजाम भी भुगतना होगा। बता दें कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LSE पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता किया है। बीते 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इस समझौते को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। जिनपिंग से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सीमा पर बनी सहमति का स्वागत भी किया और भारत और चीन के संबंधों के महत्व के बारे में भी बताया। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात पर खुशी जाहिर की। It's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time. कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। हमारे दोनों देशों के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और वैश्विक दक्षिण के महत्वपूर्ण सदस्य। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं। ये हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। To keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations. इधर मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि बैठक में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि मतभेद सही ढंग से हल हों। बैठक में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता पर जोर दिया। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री स्तर की बातचीत भी होगी।